अभी हम भेलोर में टीपू सुल्तान की एक फोर्ट है यहाँ पे, तो इस फोर्ट को हम देखने के लिए आए हैं। सीएमसी हॉस्पिटल से इसका डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर, और ये जो मैदान है इसको कहते हैं भेलोर फोर्ट पार्क। तो यहाँ पे शाम के वक्त यानी विकल में बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। एक हफ्ते से हम भेलोर में हैं, डॉक्टर दिखाना चल रहा है, तो आज संडे है तो हॉस्पिटल बंद है, इसलिए हम घूमने आए हैं। मेरी तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखाने के लिए आए हैं, तो संडे है इसलिए यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा राज किया, टीपू सुल्तान में बाद में राज किया, उनका बाद ब्रिटिश लोग ने भी यहाँ पे राज किया, लेकिन फोर्ट का जो वॉल है वो अभी ऐसे की वैसे ही है। आप देख सकते हैं फोर्ट की जो प्राचीर है वो ग्रेनाइट शिला से बनी हुई है, और उसका जैसे प्राचीन काल में होते थे उसका सामने एक गड्ढा है जिसमें जो चारों तरफ है उसमें पानी है, पूरी तरह से उसमें पानी तब भी रहते थे और अभी भी है। तो और इस तरह के सैनिक भी खड़े रहते थे, और सैनिक जिस पोजीशन में है उस तरह के चारों तरफ से सैनिक रहने के लिए इस तरह के पोजीशन है, तो वहाँ पे सब सैनिक रहते हैं, रहते थे जब वहाँ पे राजा महाराजा राज करते थे। हमने जब फोर्ट को देखने के लिए गए तो देख के ताज्जुब हो गए, क्योंकि इस तरह की चीज़ मैंने कभी नहीं देखा, तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आश्चर्य तब लगा जब मैंने गूगल में सर्च किया भेलोर फोर्ट के बारे में, तो तब वहाँ पे देखा जो इस फोर्ट को 1567 साल में बनाया गया था, जो बनाया था बीजापुर की महाराज। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फोर्ट का उम्र 500 साल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है, ये एक दो आदमी तो दूर की बात है, 15-20 आदमी भी इसको उठा पाएंगे ऐसा वेट है, तो कैसे होता किया था मुझे तो मालूम नहीं है। अभी हम अंदर जाएंगे, और मैंने सुना अंदर एक गणेश ठाकुर की मंदिर है, तो उस मंदिर को यहाँ पे कहते हैं जलाकंदेश्वर टेम्पल, तो उस टेम्पल में हम जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं, गूगल मैप में इस तरह के दिखाई देते हैं, चारों तरफ जो काला काला दिखाई दे रहा है उसमें पानी है, और बाकी जो जगह है वहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, टेम्पल गार्डन पार्क सब यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से गणेश मंदिर का प्राचीर शुरू होता है, और ये जो देख रहे हैं ये है गेट, अंदर जाने का गेट है, यहाँ से सभी दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में कहते हैं जलाकंदेश्वर मंदिर, मुझे तो मालूम नहीं जलाकंदेश्वर क्या होता है, लेकिन यहाँ के अंदर जाने के वक्त आपको आपका चप्पल बाहर रख के ही जाना पड़ेगा। इस तरह के मंदिर आप साउथ के सिनेमा में भी देखे होंगे, तो ये बहुत डिजाइन होते हैं, इसमें इसका गांव में जो ये डिज़ाइन है ये बहुत टाइम लगता है इसको करने में। पहले गेट की बाद अंदर में पहले गेट की तरह लेकिन थोड़ा छोटा और एक गेट है, ये गेट इसके इस गेट की उस पर मंदिर है। इस जगह को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, खास करके जो लोग डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग तो एक बार भी अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है। मंदिर के अंदर ये जो हिस्सा है ये हिस्सा बहुत डिजाइनी है, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन का काम किया है इस अंश में। इसका अंदर एक समाधि है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये टीपू सुल्तान का समाधि है, लेकिन वो यहाँ का लोग नहीं थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये टीपू सुल्तान का नहीं कोई महाराज का समाधि होगा। ये बीच का जो हिस्सा है ये देख सकते हैं आप, यही है वो समाधि।
मंदिर के अंदर भरतनाट्यम नाच चल रहे थे। मंदिर के अंदर ये जो दिया है, ये दिया कभी बुझते नहीं है। यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं वो घोड़े पे भी राइड कर सकते हैं। फोर्ट की वॉल के ऊपर चढ़ के अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितना डिस्टेंस लॉन्ग है, और फोर्ट की वॉल के ऊपर से लोग चल भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे वॉल्स के ऊपर से चल भी रहे थे। वॉल की कहीं कहीं जगह टूट गया था तो वहाँ पे मरम्मत किया गया। वॉल की साइड से इस तरह के चलने की जगह है, हम उसी रास्ते से चल के यहाँ पे घूम रहे थे। अगर कोई डॉक्टर दिखाना चाहता है और साथ में घूमने का मजा भी लेना चाहते हैं तो ये जगह बहुत अच्छे है। उस हिसाब से मैं इस जगह के बाद यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो राजा महाराजा की सब चीज वहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया। मैं वहाँ पे भी घूमने जाएंगे।